हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो मैं नीतू और मैं यहाँ पर ब्यूटी, फैशन और कुकिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो अभी मैं वीडियो में मैं आपके साथ एक कुकिंग की ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली वो कुकिंग की रेसिपी नहीं है, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, पता नहीं लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, तो वो सारी चीजें तो नहीं पता है। बट जो हमारे कुकिंग के जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे बराबर से काफी ज्यादा चल रहे हैं। मैंने सोचा कि अभी जो सबसे ज्यादा हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैं भी देखती रहती हूँ, अपने फ्रेंड्स के पोस्ट देखती रहती हूँ, FB पे पोस्ट, WhatsApp पे पोस्ट देखती रहती हूँ, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग केक ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत लोगों की एनिवर्सरी, बहुत लोगों का बर्थडे, वो सारी चीजें इसी लॉकडाउन के बीच में है। और मेरी भी एनिवर्सरी थी, मैंने भी केक बनाया था, तो इसीलिए मैं अभी थोड़े टाइम भी लग गया मुझे ये वाला वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि वो जो ब्लॉग था वो मेरा थोड़ा लंबा ब्लॉग था। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, तो आप जाकर वो ब्लॉग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लाइक एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप जो बची हुई चीजों से को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि उसका केक से क्या रिलेशन है। एक्चुअली तो जो एक्चुअली केक में जो हम टूटी फूटी डालते हैं ना, तो इसका रिलेशन उसी से है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बचे हुए तरबूज के जो छिलके होते हैं उनसे आप कैसे टूटी फूटी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तरबूज के छिलके, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, उसकी इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर के जो पीसेस करने हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो चेरी की शेप होती है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर पीसेस करने हैं सारे तरबूज के छिलके के। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसी तरीके से स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। उसके बाद मैं एक पैन में पानी गरम करूंगी, और लाइक लगभग मैं इस कटोरी बाउल के लिए मैं एक ग्लास पानी ले रही हूँ। और यहाँ पे पानी बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें चीनी ऐड कर दी थी, और देन चीनी ऐड करने के बाद मैंने वो जो तरबूज के जो मेरे छिलके थे वो इसमें डाल दिए थे, तरबूज का जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो इसमें डाल दिया था। और उसके बाद हमें बीच बीच में चेक करना है इस तरीके से जो रेशे जो हैं वो बनने चाहिए। तो जब चाशनी के जो रेशे बनने चालू हो जाते हैं, तो डेट मीन्स ये आपके पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको गैस पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा चाशनी नहीं बनी है। तो यहाँ पर मैंने अभी मेरा ये बन चुका है, उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी ऐसे ही चम्मच से, और अलग अलग बाउल लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग अलग कलर की जो है टूटी फ्रूटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग बाउल में मैं इनको अच्छे से निकाल लूँगी इक्वल अमाउंट में सभी टूटी फूटी जो मुझे बनानी है। तो यहाँ पर मैं दो टाइप की बनाऊँगी, एक रेड बनाऊँगी और एक ग्रीन बनाऊँगी। और यहाँ पर ग्रीन में यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हैं, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे और ये शायद 10 रुपीज़ के ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले रेड कलर ले रही हूँ, बस पिंच ऑफ लेना है आपको, और इसमें आपको अच्छे से मिक्स करना है स्पून से ही। और आप यहाँ पर जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे उसका कलर प्रॉपर आता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट यूज़ किया था, तो इसलिए ये थोड़ा ऑरेंजेस आपको लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में रेड कलर है, तो इसको फूड कलर बोलते हैं जो कि मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लूँगी, वही पिंच ऑफ लाइक लूँगी, और यहाँ पर लेने के बाद मैं इसको भी अच्छे से उसी बाउल में जो मैंने अलग से बनाया हुआ है इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो बस आप धीरे धीरे इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्लेट लूँगी, प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर डालूंगी, और टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से स्पून से अच्छे से पूरा फैला फैला के इसको अपनी जो टूटी फ्रूटी हैं उनको मैं इस तरीके से लगा के पूरा बिछा दूंगी, जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, और ये हो गया है। नेक्स्ट मैं अब ग्रीन वाले के साथ भी ऐसे ही करूँगी, एक टिश्यू पेपर प्लेट पे डालूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जितनी भी टूटी फ्रूटी है उसको बिछा बिछा के फैला फैला के इस तरीके से टिश्यू पेपर पे डाल दूंगी, और टिश्यू पेपर पे मैं अच्छे से फैलाऊंगी, अलग अलग जितना आप करेंगे उतना अच्छा होगा। और फैलाने के बाद ये देखिए प्लेट में इस तरीके से मेरे ये रेड कलर हो गया और ये मेरा ग्रीन कलर हो गया।
और यहाँ पे दोनों को मैं अच्छे से धूप, जो सुबह मॉर्निंग की धूप होती है, रात भर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा था और सुबह मॉर्निंग में लाइक 2 घंटे के करीब मैंने इनको इस तरीके से छोड़ दिया। अभी देखिए ये चेरीज आपकी बन चुकी हैं, टूटी फूटी बन चुकी हैं, एक एक पीसेस आपका बिल्कुल अलग अलग बन चुका है। और आप यहाँ पे देखिए ये मेरे 2 कलर की टूटी फूटी रेडी है, ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली। आप इन दोनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं क्योंकि केक में हम वैसे भी मिक्स करके ही बनाते हैं। तो लीजिए ये मेरी टूटी फूटी बिल्कुल तैयार है, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। तो मैं नॉर्मली इस तरह का कंटेनर लेती हूँ फ्रिज में, दोनों को मिक्स करके, ये एयर टाइट कंटेनर है, इस तरीके से इसको मैंने दोनों मिक्स कर दिए और इसको बंद करके मैं अपने फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में, नॉट फ्रीजर में, इसको मैं रख देती हूँ और जब मुझे शेक बनाना है, केक बनाना है, कुछ भी बनाना है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। वो भी वीडियो आपको पसंद आया हो, आप भी इसको ट्राई करना, ये बहुत ही ज्यादा इजी झटपट बनने वाली चीजें हैं, तो झटपट बन जाएगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आप लाइक तरबूज के छिलके जो हम फेंक देते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप इससे कुछ क्रिएटिव बना पाए और अपने केक में इस चेरीज को, लाइक टूटी फ्रूटी को आप डाल पाए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, घर पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आगे की अच्छी वीडियोस देखने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, सो दैट इन फ्यूचर मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।